गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आनंद क्लास में आपका स्वागत है। क्लास में ए चैप्टर है हमारा पर्यावरण, सब्जेक्ट बायोलॉजी। कल हमने आपको पर्यावरण के बारे में बताया था, प्रदूषण के बारे में बताया था, उनसे होने वाले नुकसान और फायदे के बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे पारितंत्र। पारितंत्र इसके संगठन क्या है? पारितंत्र एक गणात्मक इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। पारितंत्र में पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा का प्रवाह आदि शामिल होते हैं। तो देखिए कैसे ऊर्जा का प्रवाह, ये है सूर्य। सूर्य से किस प्रकार उत्पादक को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक और अपघटक से अकादमिक पोषक। तो इस तरह से पारितंत्र एक गणात्मक इकाई है जो कि ऊर्जा के प्रवाह से शुरू होकर तथा पदार्थों के चक्रण के अनुरूप ये शामिल है। इसलिए हम पारितंत्र के बारे में इस ऊर्जा प्रवाह और पदार्थ के चक्रण की सहायता से जान सकते हैं। अब आइए देखिए पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र में दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, केवल प्रकृति का ही हस्तक्षेप होता है। और कृत्रिम पारितंत्र में बलि मनुष्य का हस्तक्षेप होता है। तो प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आता है स्थलीय और जलीय। स्थलीय में आता है वन, घास का मैदान, मरुभूमि आता है। और जलीय के अंतर्गत स्थलीय जली, समुद्री जली। स्थलीय जली में आता है नदी यानी बहता हुआ जल, तालाब उगा हुआ जल और आर्द्र जल, आर्द्र क्षेत्र यानी सूखा हुआ क्षेत्र, और समुद्र में खुला समुद्र, तटीय क्षेत्र। ये सब प्राकृतिक पारितंत्र है। और कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं खेत, बगीचे, जलाशय, जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है और ये मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और ये हमारे प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटक भी शामिल होते हैं। आइए देखिए अजैविक घटक क्या है और जैविक घटक क्या है। जैविक घटक और अजैविक घटक, जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, परजीवी आदि शामिल होते हैं। और अजैविक घटक में, अजैविक घटक में बहुत सारे घटक हैं ऐसे जैसे कि जलवायु का कारक और कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायुगत कारक, वायुगत कारक। अब उत्पादक क्या
हरे पौधों से प्रत्यक्ष, हरे पौधों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं या जो दूसरों पर निर्भर करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें उपभोक्ता कहते हैं और ये जैविक घटक उपभोक्ता के अंतर्गत ही आते हैं और ये प्रमुखतः जंतु ही हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये जीव विषम पोषी भी होते हैं, इनके कारण अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं और ये निम्न प्रकार के भी होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, शर्वाहारी। शाकाहारी जो होते हैं वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। मांसाहारी ये दूसरे जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं यानी मांस का आहार करते हैं। और जो शर्वाहारी होते हैं वो हरे पेड़ पौधों को भी और मांस को भी दोनों सब कुछ खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। परजीवी भी, जो परजीवी होते हैं, परजीवी जो दूसरों का जैसे ब्लड वगैरह चूसने वाले होते हैं, जैसे जोंक है और जू है, ये सब परजीवी के अंतर्गत आते हैं। और अपघटक, ये व्यापक अर्थों में अपघटक भी एक प्रकार के उपभोक्ता ही है। ये वो जीव है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम अपघटक कहते हैं। ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और परजीवी। हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है, इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता, ये इसके अंतर्गत जीव जंतु आते हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, इन्हें परपोषी भी कहते हैं। इनके अंतर्गत तीन आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी हरे पेड़ पौधों को खाते हैं और मांसाहारी ये दूसरे जंतुओं को मार करके खाते हैं यानी मांस का आहार करते हैं। सर्वाहारी सभी प्रकार के आहारों को ग्रहण करते हैं। अवघटक, ये मृत अकार्बनिक पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये परजीवी है, ये जो एक प्रकार आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक, और आपको होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क में आपको पारिसंत का चित्र चाहिए, सविस्तार वर्णन कीजिए, सविस्तार वर्णन कीजिए।